बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जूनियर थ्री। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स, टुडे इन द राइट ट्रैक वी हैव टू डू पेज नंबर 14 एंड आर टॉपिक इज़ नाउंस यूनिट नंबर 1 एंड आई वांट यू टू ओपन योर बुक्स राइट ट्रैक्स पेज नंबर 14 एंड टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर द प्रॉपर नाउंस एंड व्हाट आर द कॉमन नाउंस and we will learn about the nouns. So let's get started. You have learned that a noun is the name of a person, place, things or animals. Nouns that are general names of people, animals or things are called common nouns. यानी कि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि nouns क्या होते हैं। Name of person, place, animal और thing के जो नाम होते हैं वो nouns होते हैं। अब nouns जो होते हैं they are of two kinds, दो तरह के nouns होते हैं, common nouns and proper nouns। जो common nouns होते हैं वो जो general नाम होते हैं लोगों के या चीज़ों के या animals के, वो मतलब commonly बोले जाते हैं। they are for example boy, girl, man, city, dog, इनको हम कॉमन नाउंस कहते हैं। और कॉमन नाउंस हमेशा स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाते हैं। नाउंस दैट आर स्पेशल नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउंस। और जो स्पेशल नेम्स होते हैं जिनसे हम किसी को पुकारते हैं वो स्पेशल होते हैं और उनको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन, असरा, मिस्टर शिराज, लाहौर, टाइगर, दे बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। All right, now we'll come to the exercise on page number 14, that is identify the nouns in these sentences, circle the proper nouns with a red crayon or a pencil color and the common nouns with a blue crayon or pencil color. यहाँ एक्सरसाइज के अंदर मैंने जो प्रॉपर नाउन्स हैं, स्पेशल नेम्स हैं, उनको रेड कलर के साथ सर्कल कर दिया है और जो कॉमन नाउन्स हैं जो जनरली बोले जाते हैं उनको मैंने ब्लू कलर के साथ अंडरलाइन कर दिया है। यू कैन डू द सेम वे। नंबर वन इज़ माय सिस्टर इज़ अ टीचर। हेयर आपने देखा कि मेरी बहन एक टीचर है। सिस्टर का नाम नहीं लिखा गया हुआ। अगर सिस्टर का नाम लिखा गया होता जैसे सारा या फरीहा या व्हाटएवर, तो वो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन एक जनरल नाम जो होता है, माय सिस्टर, मेरी बहन, वो एक जनरल नाम है, उसको हमने, वो एक कॉमन नाउन है और उसको हमने ब्लू कलर के साथ अंडरलाइन किया हुआ है। इसी तरह टीचर का अगर नाम लिखा होता तो वो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर लिखा हुआ है तो दिस इज़ अ कॉमन नाउन। इन द सेकंड सेंटेंस द क्लेवर क्रो सैट ऑन द विंडो सिल। क्रो एंड विंडो सिल दे आर कॉमन नाउन्स। नंबर थ्री, मुहिब लिव्स इन अ स्मॉल टाउन। मुहिब एक छोटे से टाउन में, कस्बे में रहता है। अब मुहिब इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि ये देखें, आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल लेटर से भी लिखा हुआ है और ये प्रॉपर नाउन है और टाउन का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये कॉमन नाउन है। नंबर फोर, अतीक इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड। फ्रेंड का नाम नहीं लिखा हुआ इसलिए ये कॉमन नाउन है। हिज़ नेम इज़ असद। यहाँ पे अब फ्रेंड का नाम आ गया है, देखें कैपिटल लेटर से भी लिखा हुआ है, इसलिए अतीक और असद जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं। नदीम वेंट टू इस्लामाबाद। नदीम प्रॉपर नाउन एंड इस्लामाबाद क्योंकि एरिया का नाम लिखा हुआ है तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। आई वेंट विद मिस्टर फारूक टू मीट द फेमस पेंटर। नाउ मिस्टर फारूक इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड फेमस पेंटर इज़ अ कॉमन नाउन। आई हैव अ पेट डॉग, हिज नेम इज़ रॉक। डॉग इज़ अ कॉमन नाउन, रॉक इज़ अ प्रॉपर नाउन। टॉम वेंट टू वॉच द बिग सर्कस इन लंदन। टॉम इज़ अ प्रॉपर नाउन। बिग सर्कस क्योंकि स्पेशल सर्कस है और वो कभी सालों में एक दफ़ा लगती है, इसलिए दिस इज़ अ कॉमन प्रॉपर नाउन। एंड लंदन क्योंकि जगह का नाम है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। वी वेंट टू द मॉल एंड बॉट सम केक्स एंड बिस्किट्स। यहाँ मॉल भी अंडरलाइन हो सकता है क्योंकि मॉल का नाम नहीं है तो ये कॉमन नाउन होगा। केक्स एंड बिस्किट दे बोथ आर कॉमन नाउन्स। द डॉग वैग्ड इट्स टेल। डॉग इज़ अ कॉमन नाउन एंड ऑल्सो द टेल कैन बी अ कॉमन नाउन बट द डॉग इज़ अ कॉमन नाउन। And that is all for the today's video of working. And you will turn your page number 16.
यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, लिखी हुई हैं, और नीचे थीम पार्क की पिक्चर भी बनी हुई है. नाउ आई एम गिविंग यू द एक्टिविटी व्हाट यू नीड टू डू, के सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है मेक अ पोस्टर विद अट्रैक्टिव पिक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अ थीम पार्क. आपने क्या करना है कि अपनी कॉपी के अंदर टॉपिक लिखना है अ थीम पार्क, ठीक है, और मैगज़ीन में से या किसी भी जगह से स्टिकर्स मिले आपको या कुछ भी जो पार्क की पिक्चर्स होती हैं ना, वो आपने 2 या 3 पिक्चर्स अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट कर देनी है, लगा देनी है, ठीक है. ये दिस इज़ गोइंग टू बी योर एक्टिविटी. आपने इसका टॉपिक भी लिखना है एक्टिविटी ऑफ थीम पार्क, ठीक है. ये लिख लेने के बाद आपने नीचे जो है वो इधर उधर से जहाँ से भी आपको इंटरनेट से मिले या जिधर से भी स्टिकर्स मिले या मैगजीन्स में से पिक्चर्स मिले, 2 से 3 प्यारे प्यारे पार्क्स की पिक्चर लगा देनी है अपनी कॉपी के अंदर. अच्छे से करके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है. दिस इज़ द ओनली एक्टिविटी यू हैव टू डू. वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन. इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपको इसका टेस्ट भी भेज दूँगी. कीप लर्निंग ऑल द वर्क फ्रॉम द कॉपी एंड द बुक. आई विल गिव यू द टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, ठीक है. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. Stay home and stay safe. Okay then, Allah Hafiz.